असलकुम लूस्टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में आज का अहम तरीन मौजू क्या है जाहिर है जो आपने सोचा है वही है मेरा मतलब है अमेरिकन इलेक्शंस सदर बुश दोबारा सदर हो गए चार साल के लिए और कैरी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली पिछले सात दिन से अगर आप गौर करें तो जितने चैनल्स हमारे यहाँ आते हैं और पाकिस्तानी चैनल्स हैं जब आप किसी चैनल को खोलें तो तीन आदमी बैठे हुए हैं पीछे एक अमरीका का झंडा है लाल पीली रोशनियाँ जल रही हैं और आपस में गुफ्तु हो रही है और सब अपनी माहराना राय पेश कर रहे हैं साहब मेरे ख़्याल में कैरी को जीतना चाहिए क्योंकि अगर हम तारीख देखें अमरीका की तो इस दफ़ा पहली मर्तबा नौजवान जो हैं वो कैरी को वोट दे रहे हैं जितने गाने बजाने वाले हैं वो कैरी को वोट दे रहे हैं दस लाख वकील कैरी को वोट दे रहे हैं तो साहब ये बात कभी अमेरिकन इलेक्शंस में पहले नज़र नहीं आई और देखिए एक तो इंटरनेशनल एक नफ़रत जो है बुश के लिए मुसलमानों में और दूसरी कौमों में वो इन इलेक्शंस में सामने आएगी और बुश हार जाएंगे ऐसा नहीं गए। इन प्रोग्रामों में एक एक्सपर्ट आते थे जो कि हर प्रोग्राम में शामिल होते थे आज हमने नूज स्टॉक में उन्हीं को दावत दी है सलाम वालेकुम। वालेकुम आप पिछले छह सात दिनों से जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर आ रहे हैं। जी हम नहीं आ रहे हैं वो हमें बुला रहे हैं वो हमें बुला रहे हैं पीछे अमरीका का झंडा आगे हम सीधे हाथ पे कैरी उल्टे हाथ पे बुश सामने मेज पर एक चाय की प्याली और वो भी खाली सीधे हाथ पे एक मेजबान जिसे अमरीका की दुम का नहीं पता मैं समझा नहीं अमरीका की दुम क्या मतलब दुम नहीं समझते देखा है तुमने कभी कोई जानवर जानवर के जो एंड में चीज होती है उसको क्या कहते हैं दुम। दुम कहते हैं ना और हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो पीछे जब जाके बैठते हैं तो क्या कहते हैं हम कहा बैठे थे दुम में में और दुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं टेल टेल अमेरिकन जो है वो अपनी तारीख को टेल कहते हैं यानी उर्दू में यू समझ लीजिए कि अमेरिकन अपनी तारीख को दुम कहते हैं अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो रोजवेल्ट से लेके जॉर्ज बुश तक उनकी जो तारीख है वो बड़ी टेढ़ी है यानी समझा नहीं समझे नहीं क्या टेढ़ी नहीं समझे या दुम नहीं समझे अच्छा दुम तेड़ी की टेढ़ी दुम टेढ़ी की टेढ़ी हमने तो देखे ना उस मिसाल में भी दुम आता है कुत्ते की तुम टेढ़ी के टेढ़ी आपको किसी एक चैनल पर आना चाहिए था देखें एक बात याद रखना अनवर मकसूद भैया बात यह है कि अमेरिका भी कई चैनल्स में बटा हुआ है आप कितना जानते हैं को? अमेरिका को बहुत जानता हूँ तुमसे ज्यादा जानता हूँ मैंने मास्टर्स किया है अमेरिकन हिस्ट्री में कब किया था ये बहुत पुरानी बात है अब तो मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कब किया था बहुत फजूल सवाल है अगला सवाल करो जॉर्ज बुश चार साल के लिए दोबारा सदर हो गए यार एक बात सुनो अगर वो चौदह साल के लिए भी हो जाएं, तो हम पे क्या असर पड़ता है जॉर्ज बुश अगले चार साल के लिए इलेक्ट हो गए हैं अब तो मेरा ख्याल है उनको सूट उतारना पड़ेगा अमेरिका का सदर सूट क्यों उतारेगा? बात सुनो मेरे भाई अनवर मकसूद बात यह है कि सदर रहने के लिए कुछ ना कुछ तो उतारना पड़ता है मैं देखिए बड़ी वाजे बात है अगर जो है सदर बुष ने सूट नहीं उतारा तो फिर वो सदका उतारेंगे बुश मुसलमान नहीं है अबे नहीं है तो क्या हुआ सत्र क्यों उतारेंगे अरे क्या हुआ अगर मुसलमान नहीं है जॉर्ज बुश तो क्या हुआ भाई बात यह है पिछले चार साल में जितना उनका मुसलमानों से ताल्लुक रहा है ना उसकी बुनियाद पे मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनको सत्के का मतलब जरूर मालूम हो गया होगा सर मुसलमानों ने कैरी को सपोर्ट किया अबे मुसलमान तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो वो कैरी को क्या कद्दू सपोर्ट करेंगे आप दोबारा कहिए क्या कहा प्रे? मैंने कहा अब मुसलमान आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो कैरी को क्या कद्दू करेंगे मगर आपने हर दफा अपने प्रोग्राम में यही कहा नाजरीन से कि आप देखिएगा मेरी राय और मेरी सोच और मेरी समझ ये कहती है कि इस दफा कैरी जीतेगा अब हमारी सोच हमेशा झूठी निकली हमने 1947 में भी एक सोच का आगाज किया था कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामी मुमलिकत है वो तो है अबे चल झूठे कोई और सवाल कर आप क्या बात कर रहे हम एक इस्लामी रियासत है अबे तुम जरूर हो गए मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ इस्लामी जमहूर पाकिस्तान अबे बच्चा जमहूरिया जैसी बातें मत कर बात यह है कि जो सुन लिया वही बोल दिया डुक क्यों कह रहे हैं आप इस तरह की बात वो इसलिए कह रहे हैं भाइया बात यह है कि जो लोग इस्लाम की तरफ हैं उन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है इस्लाम तहजीब सिखाता है बद तहजीबी नहीं इस्लाम अमन सिखाता है झगड़े फसाद नहीं इस्लाम पोजीशन सिखाता है अपोजिशन नहीं ये तो आप सरकार वालों की बात कर रहे हैं बात सुन बे मैंने जो एम किया है ना वो अमेरिकन हिस्ट्री में किया है इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं किया है जो बात सच है वही बोलेंगे प्रोग्राम में मुझे तो मज़ा आ रहा है आप इश्ते हार देखिए मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम्स देखे जो इलेक्शन के बारे में थे अमेरिकन हाँ, इलेक्शन के बारे में अच्छा उसमें जब आप बात कर रहे थे तो मुझे लगता था कि आपको एक उबूर हासिल है अमेरिकन पॉलिटिक्स पर भाया कि किस शहर में किस तरह के लोग रहते हैं और वो इतना किसको वोट डालेंगे मगर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ और ही जवाब मिल रहे मुझको चले ना हम बात में तय तुम्हारा सवाल ही क्लियर नहीं है भाया बुश जीत गए कैरी हार गए कैरी हार गए गए बल्कि कैरी हार गए इसको यूं कर लो और कैरी जब हार गए तो ऐसा लगा जैसे मुसलमान हार गए जी ज्यादातर लोग यही समझ रहे हैं मैं खाली एक सवाल करना चाहता हूँ अब कौन सी जंग में मुसलमान कैरी के खिलाफ लड़े थे अब कैरी कैरी है बुश बुश है दोनों अमेरिकन हैं और याद रखना भैया अमेरिकन जो है अमेरिकन होता है अगर कैरी जीत जाता तब भी वो बुश की पॉलिसी कैरी ऑन करता मगर आपने अपने प्रोग्राम में जिस दिन कैरी हारा है हुँ? उससे दो घंटे पहले आपने कहा था कि कैरी जीतेगा 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 ये मेरी सोच कह रही है ये मेरा दिमाग कह रहा है ये मेरा तजुर्बा कह रहा है देखते हो? जी, जी. एक बात बताओ अपने ईमान से बताना टीवी के ऊपर सच कौन बोलता है इसका मतलब है आप भी झूठे अरे बात यह है कि बिल्कुल हम तो झूठे नहीं हैं बात यह है लोग ये समझते हैं कि नाजरीन को बेवकूफ़ बनाया तो आपने बनाया हमारे मासूम नाजरीन को बेवकूफ़ वही बता रहे हैं बात यह है कि ये चौदह करोड़ नाजरीन पहले से बने बनाए बेवकूफ़ हैं इनको बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल बात है ज़रा सी कोई झूठी बात करता है और ये कौम तालियां बजाने लगती है ये आप किस तरह कह सकते हैं ये इस तरह कह सकते हैं कि उन चौदह करोड़ अवाम में एक मासूम मैं भी बैठा हूँ चलिए एक बड़ा सीधा सवाल है तो अब तक क्या टेढ़ा सवाल किए थे ये बताएं क्या बताएं कि बुश क्यों जीता अबे बुश हमारा समझी है क्या जो हम बताएं कि बुश क्यों जीता उसको जीतना था वो जीत गया कोई और बात करो आपने अमेरिकन हिस्ट्री में एमए क्यों किया अमेरिकन हिस्ट्री में एमए क्यों किया बात बहुत पीछे ले गए हो बात यह है भाया कराची के अंदर एक होटल था जानते हो ना वो तीन तलवारों के पास कौन सा होटल था नाम याद है कोलम्बस कोलम्बस हम कोलम्बस में रहते थे और कोलम्बस में जब रहते थे तो आप मुझे एक बात बताओ अमेरिकन हिस्ट्री में ही एम करेंगे ना वहाँ पर क्या होता था कोलंबस होटल में जब हम नीचे लॉबी में आते थे तो बेशुमार रेड इंडियन किस्म की औरतें हमको देख के हव हाँ हाव करके चीखती थीं और हम वहाँ से भाग के अपने कमरे में आके अपने कमरे में छुप जाते थे और सारी रात अपने कमरे में ही रहते थे आज भी हमारी हिस्ट्री की किताबें खोलेंगे तो उसमें एक दो रेड इंडियन औरतों के पर नजर आएंगे हम संजीदा बात कर रहे हैं सर अमेरिकन इलेक्शन और संजीदाबाद एक मिनट भाया जरा मुझे हंस लेने दो <laughs> आगे बोलो ये अमेरिकन इलेक्शन नहीं थे सर ये सारी दुनिया के इलेक्शन ये तुमसे किसने कहा आ, ये मैं आपसे एक बात बता दूं कि अमेरिका में जितने पाकिस्तानी थे हाँ? उन सब ने कैरी को वोट दिया यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं इतनी वो सुख से जो कह रहे हो तो किसने कहा एक अमेरिकन पाकिस्तानी ने अब सच्चाई तो यहीं पे दब गई ना कि जब एक पाकिस्तानी अमेरिकन हो गया अब बात यह है ये बिल्कुल झूठ बात है इन्होंने पहले तो ये कहा कि हम कैरी को वोट देंगे और जाके एंड टाइम पे बुश को वोट दे दिया बात यह है ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन जब हुए थे ना तो कहा था हम पी 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 को वोट देंगे और बाद में जाके मुस्लिम लीग काफ को जितवा दिया अनवर भाया ये मुसलमान जो है ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा सर अब क्या होगा? अब जितने मुसलमान हैं ना वो ये सोच रहे हैं कि दो साल के अंदर कैंप डेविड जो है ना हाजी कैंप में तब्दील हो जाएगा क्योंकि बकौल उनके अमेरिकन बड़ी तेजी से मुसलमान हो रहे हैं भाया सर ये बात तो मैंने भी सुनी है आ, कि अमेरिका में बहुत तेजी से अमेरिकन मुसलमान हो रहे हैं ये तुमसे किसने कहा एक मेरे दोस्त है वो अमेरिकन पाकिस्तानी है मगर अमेरिकन है डॉक्टर है उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि अनवर तुम यकीन नहीं करोगे यहाँ अमेरिकन बहुत तेज़ी से मुसलमान हो रहे हैं मैं नहीं मानता भया मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानता यह बात अगर अमेरिकन डॉक्टर ने कही है ना जब पाकिस्तानी है अगर यह बात कोई पाकिस्तानी जर्रा कह देता कि अमेरिका में तेज़ी से अमेरिकन मुसलमान हो रहे हैं भाया तो मैं शायद मान लेता आप इश्तेहार देखें अजीब लगा नहीं आप अथॉरिटी हैं। कुछ बातें होती हैं जिनका ना सर होता है और ना पैर होता है खैर आपने मुझे सर कहा आपकी मेहरबानी सर अभी शेख रशीद साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि इन अगले चार बरस में बुश कश्मीर और फ़लस्तीन का फैसला कर देगा बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई है क्योंकि बुश की कामयाबी का सुनते ही यासर अरफात उस खुशी में इस दुनिया से रुखसत हो गए और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि बुश जो हैं चार साल के अंदर मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन का फैसला कर देगा आप क्या समझते हैं कि फलस्तीन और कश्मीर का फैसला कौन कर सकता है भैया ये आपने सवाल इतना गंभीर करा है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसका जवाब देने में मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा जी जरूर शुक्रिया ये कर रहे हैं भाया डिस्टर्ब कर दिया ना मैं सोच रहा था सवाल क्या था कि कश्मीर और फलस्तीन का फैसला आपके ख्याल में कौन कर सकता है भैया थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए भैया सवाल क्या था भाया? कि कश्मीर और फलस्तीन का फैसला आपके ख्याल में कौन कर सकता है आ गया भैया आ गया मेरा ख्याल है कश्मीर और फलस्तीन का फैसला पाकिस्तान का कोई रिटायर्ड जज ही कर सकता है और उसके अलावा कोई माइकल लाल नहीं कर सकता अखेर हम इस वक्त बात कर रहे हैं अमेरिकन इलेक्शंस पर हाँ तो आपकी अपनी राय क्या है कि बुश का जीतना पाकिस्तानियों के लिए बेहतर साबित हुआ या नहीं अब मेरा तो ख्याल है भाया कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं और थोड़ा सा गहराई में तो आप भी मेरे हम आवाज़ होकर बोलेंगे कि बुश का जीतना पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ क्यों सर अब ये क्यों का जवाब तो मेरा बाप भी नहीं दे सकता मैंने एक तुक्का मारा था तुमने तुक्के को रस्ते में पकड़ लिया भाया बड़े तेजो भाया है क्योंकि आप अथॉरिटी हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स पर आपने मास्टर किया है अमेरिकन हिस्ट्री में हाँ भाया दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम जा रहे हैं अमेरिका हाँ जा रहे हैं भाया कुछ फोन पे जा रहे हैं कुछ टेलीग्राम के जरिए जा रहे हैं कुछ फैक्स के जरिए जा रहे हैं कुछ जबानी जा रहे हैं भाया अभी जापान की तरफ से भी एक पैगाम गया है जापान ने भी एक बड़ा तवील पैगाम भेजा है भाया आपको याद है लू? मुझे थोड़ा बहुत याद है जापान ने जो पैगाम दिया है भाया उसका मतन कुछ यूँ है कि की तानोर डोरी नंगाई

वो ये कह रहे हैं पैगाम में कि जब हम हुक्के का कश लगाते हैं और जब तुम अपने बालों को बिखरा के मेरे सामने से गुजरती हो और जब मैं तुमको देखता हूँ तो मेरे तंबाकू का जो मैं कश लेता हूँ तो मेरा नशा दोबाला हो जाता है भाया चार साल के लिए इस पैगाम से ताल्लुक? पता नहीं भाया आज पूरी अमरीकी कौम एक दूसरे से ये पूछ रही है कि ये पैगाम किसके लिए है ये बुश के लिए है या उनके घर में से किसी के लिए है सर अंग्रेज भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बुश को अंग्रेज बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि वही तो सपोर्ट कर रहे हैं मगर एक तरफ तो इंग्लिस्तान में जुलूस निकाले गए बुश के खिलाफ जो में जंग हुई और अब बुश के खिलाफ भी निकाले गए टोनी ब्लेयर के खिलाफ भी निकाले गए अपना टोनी है ना जी कभी इधर टोन हो जाता है कभी उधर टोन हो जाता है उसकी टोन का का ही पता नहीं चलता जी आ, उनका घर नंबर नंबर भी दस नंबर है हाँ टेन डाउनिंग स्ट्रीट भाया जी, दस नंबर ही मकान है उनका जी तो टोनी ने क्या कहा मुश्किल टोनी ब्लेयर ने तो एकदम आके कह दिया टीवी के ऊपर आए और आने के बाद कहा As far as I think, that it's not uh, the it's not the election merely for America. It was the election for the entire world. We have won. In fact, it's the winning of uh, humanity. It's the winning of uh, 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 the democratic ways in the world. We want uh, the world to get out from the terrorism. एंड वी आर फाइटिंग एंड वी विल की कौन सा का या गोल्ड का आप आप राय क्या है, टोनी ब्लेयर के बारे में टोनी ब्लेयर के बारे में uh, बस मेरी राय को रहने दो क्योंकि अगर मैंने ब्लेयर के बारे में कुछ कह दिया भया तो वीजा में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाया बांग्लादेश ने भी मुबारकबाद का पैगाम बांग्लादेश ने तो सीधी सीधी बात बोल दी तुम्हारे ही और उन्होंने एक बात और भी बोल दी कि माटी रे ग इसका क्या मतलब इसका मतलब अगर मालूम होता तो मैं बोलता क्यों आपने हमारे मौजूद मेहमान जो कि एक्सपर्ट है अमेरिकन पॉलिटिक्स पर आपने इनकी बातें सुनी अमेरिकन हिस्ट्री पर अमेरिकन हिस्ट्री वही पॉलिटिक्स है पिछले हाँ। दिनों ये हर चैनल पर मौजूद होते थे और अपनी राय का इजहार करते रहे शायद एक प्रोग्राम भी ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने ये ना कहा हो कि मेरा जहन और मेरा दिमाग तो यही कहता है कि साहब कैरी जीतेगा कैरी हार गया आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में अब जब बात इतनी खोल के हो रही है तो भैया मैं भी खोल के कैरी को मुखातिब करके कुछ कहना चाहूंगा मुझे इजाजत है जी जी इजाजत है मुझे इजाजत है जी अबे कैरी जब तुझे ये पता था कि तू हारेगा तो तुझे खड़े होने की क्या जरूरत थी तुझे चाहिए था आराम से एक जगह पे बैठा रहता चैन की बांसुरी बजाता आखिर में मैं कौम के नाम एक पैगाम देना चाहता हूं क्या मैं दे सकता हूं जी शेर की शक्ल में दूंगा जी जरूर कबूल है तो कबूल है जी। कहते हैं यानी मैंने कहा है अर्ज किया है उधर बुश इधर मुश वो भी खुश हम भी खुश उधर बुश इधर मुश वो भी खुश हम भी खुश मगर मेरे मेहमान आप निकले ठुस इजाजत दीजिए चार साल बाद अगर दोबारा इलेक्शन हुए अमेरिका में और हमारे मोहतरम मेजबान इसी तरह चैनल्स पे आते रहे फिर मेरी बात सच निकलेगी चार साल बाद इलेक्शन होगा कि कैरी जीतेगा Obrigado.